हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पे स्वागत है। और आज हम बनाएंगे साउथ इंडियन स्टाइल कोकोनट चटनी। कोकोनट चटनी या नारियल चटनी बनाने के लिए हमें चाहिए नारियल। यहाँ मैंने एक नारियल को तोड़कर छिलका निकाल लिया है और अब हम इसे छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लेंगे। ये देखिए, यहाँ मैंने छोटे टुकड़ों में काट लिया है। चटनी बनाने के लिए यहाँ मैंने लिया है एक मिक्सर जार। इसमें छोटे छोटे नारियल के टुकड़े डालेंगे या ऐड करेंगे। और अब इसमें डालेंगे भुना हुआ चना या दाल फ्राई। आप इसकी जगह भुना हुआ पीनट या मूंगफली भी डाल सकते हैं। और अब हम इसमें कटा हुआ 2 से 3 हरी मिर्च डालेंगे और इसमें 2 चम्मच नींबू का रस डालेंगे। स्वाद अनुसार या आधा चम्मच नमक डालेंगे। चटनी अच्छे से बारीक पीसे इसके लिए हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे। और अब जार का ढक्कन लगाकर चटनी को हम बारीक पीस लेंगे। ये देखिए, चटनी को यहाँ मैंने पीस लिया है। और चलिए अब हम इसे निकाल लेंगे और अब हम इसमें तड़का लगाएंगे। तड़का लगाने के लिए हम लेंगे एक तड़का पैन, गैस ऑन करेंगे और पैन को गर्म होने देंगे। पैन गर्म हो गया है, हम इसमें 2 चम्मच तेल डालेंगे। तेल को गर्म होने देंगे और अब हम इसमें 1 सूखी लाल मिर्च डालेंगे, 1 चम्मच सरसों या राई के दाने डालेंगे और राई को क्रैक होने देंगे। और अब इसमें 1/2 चम्मच चने की दाल डालेंगे और अब इसमें 8-10 कड़ी पत्ता डालेंगे, 1/4 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। ये बिल्कुल ही ऑप्शनल है। तड़का तैयार है, गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और अब चलिए हम चटनी में तड़का लगाएंगे। तड़के को चटनी के ऊपर इस तरह डाल करके हम चटनी को तड़का लगाएंगे। और ये देखिए, चटनी हमारा बिल्कुल तैयार है। अब हम इसे मिला लेंगे और चलिए अब हम इसे सर्व कर लेंगे। दोस्तों, आपको मेरी वीडियो और रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।